आतो भाई, सईद भाई और वारस चाहत, आप सब दोस्तों को ईद मुबारक कहते हैं। कीशा इतना फास्ट फूड नहीं खाना, तू थथा बैठ गी बड़ा पीछे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाइट जो है हम लेकर देखते हैं। भाई कोच, आप चलाना चाहोगे भाई? देखो 125 पे तो दो बंदे आते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और सब दोस्तों को सबसे पहले मैं ईद मुबारक बोलूँगा, और उसके बाद हम आज का, जैसे कि आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि आज है हमारी सब मुसलमानों के लिए ईद, पाकिस्तान में मनाई जा रही है ईद। और सब दोस्तों को फिर से मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों मौसम कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है आपको, मौसम देखिए जी, आज बहुत ज़्यादा जो है बारिश का मौसम बना हुआ है और हवा काफ़ी ज़्यादा है, आंधी की तरह आ रही है। आपको दिखाते हैं, ये सारा जो है बादल है। आज की ईद भी ठंडी, रोज़े तो ठंडे ही गए हैं, ईद भी ठंडी है आज की। हम जाने लगे हैं जी ईद नमाज के लिए, हम रेडी हो चुके थे और 7 बजे का टाइम था, 7 बज चुके हैं, अभी तक गलियों में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह जी, हम मस्जिद के अंदर जाने लगे हैं दोस्तों, ठीक है जी, जामिया मस्जिद रहमान अहले हदीस। और बिस्मिल्लाह जी, फौजी अल्ताफ साहब, खैर मुबारक। और जी खैर मुबारक, बारिश भी मुबारक नाले। और जय भाजी कैसे हैं? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। हाँ पुत्र, ईद मुबारक 3 दफ़ा। वीडियो बन रही है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं हमारे, सबको हाय कर दो। चाचू मामू आंटियां बुपियां ताइयां चाचियां जिन्हें भी ने, जिन्हें भी ने, सारियां नू साड़ी तरफो ईद मुबारक, ईद मुबारक। इधर देखो, तो दोस्तों अब हम जाने लगे हैं घूमने के लिए आतब भाई और सईद भाई के साथ। अभी पता नहीं है किधर को जाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई इरादा नहीं बना है कि किस जगह पे हम जाएंगे। कोई अच्छी सी प्लेस देखते हैं, उधर जा के रुकते हैं, थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करते हैं। तो भाई, सईद भाई और वारस चाहत, आप सब दोस्तों को ईद मुबारक कहते हैं। और साथ में जो है व्लॉगिंग करते हुए हम जा रहे हैं जी। आई थिंक ये देखिए, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और इंजॉय करने वाला है। कमाल का व्यू नज़र आ रहा है दोस्तों, कमाल का व्यू। दोस्तों ये वाली वो पुल है जो कि हबीबाबाद, पत्तों की उकाड़ा, लाहौर, इन सारे जो शहर हैं उनको आपस में मिलाती है। जो भी गाड़ियाँ, जो बसें, जो कारें, कोई भी चीज़ इधर से गुजरती है, पत्तों की से हबीबाबाद या लाहौर से उकाड़ा की तरफ जाए, तो वो इसी पुल से गुजरती है। ये जो दूसरी पुल आप देख रहे हैं जहाँ पर ट्रक गुजरा है, ये पुरानी पुल है। और ये वाली पुल जहाँ से मैं, सईद और आतिफ जा रहे हैं, ये भाई न्यू वाली पुल है। और न्यू वाली पुल जो है ये FWO वालों ने बनाई है। इसके बारे में अलहदा मारी एक अलहदा से एक व्लॉग होगा और अलहदा सेपरेट जो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस पुल के बारे में। फिलहाल के लिए आप नज़ारे देखें, बहुत कमाल का व्यू है, नीला आसमान है, उसके ऊपर जो है ग्रे कलर के बादल छाए हुए हैं, बहुत कमाल का अच्छा व्यू लग रहा है। अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं पत्तों की में, तो उसकी उस जगह का भी आपको नज़ारे व्यू अच्छे तरीके से दिखाए जाएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आए हमारा व्लॉग देखते हुए। और दोस्तों ये वाला जो है आपको नज़र आ रहा है पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना जो है
तकरीबन ये 6-7 साल हो गए हैं अभी तक ये पेट्रोल पंप जो अभी बना नहीं है। और ये भी कमाल का नज़ारा, कमाल का व्यू पेश कर रहा था जब हम वहाँ से गुजरे तो बहुत अच्छा लगा हमें भी ये सारा व्यू देखते हुए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको भी कैमरे के अंदर कैद कर लिया जाए, ये सारे व्यू जो हैं अच्छे अच्छे जो हमें नज़र आ रहे थे सारे व्यू हमने इनको कैद कर लिया अपने कैम के अंदर और आप सब लोगों को आपके सामने रखा है कि ये देखें भाई इतना प्यारा मौसम था हमारे अबीबाबाद में कल जब हम ईद के लिए गए थे। तो दोस्तों ये सईद, और सईद की तो अभी कॉल चल रही है, बहुत ज़्यादा लंबी कॉल थी शायद इसलिए क्योंकि इसके किसी फेवरेट बंदे की कॉल थी, समझ तो आप गए होंगे। तो लिहाजा हम जो हैं अब टूल प्लाजा से थोड़ा सा पीछे हैं, जैसे मैं टूल प्लाजा गुजरता हूँ तब आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं टूल प्लाजा गुजर रहा हूँ, तब तक आप देखते रहें। पत्तों की टूल प्लाजा जो है क्रॉस कर चुके हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों हमारी बैक साइड पर है पत्तों की टूल प्लाजा, हमने वो क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और बस बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। बच्चे पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या, तो मैंने उनको बताया कि मेरे चैनल का नाम है वारिस चाँद। फिलहाल हम जो है पहुंच चुके हैं हबीबाबाद से पत्तोकी में, और पत्तोकी के सिटी के अंदर हम सिर्फ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम पत्तोकी इंटर हो चुके हैं, ये भी पत्तोकी का एरिया गिना जाता है और ये हम लंडा फाटक के थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन हम ऐसे बात मैं आपको बताऊँ कि ये जनाब ये सारा का सारा जो भी है जहाँ से हमने शुरू किया है पत्तोकी टोल प्लाजा गुजरते हुए ये सब नर्सरियों के अंदर आता है, और ये नर्सरियाँ इतनी हैं कि आप हर किस्म का यहाँ पर पौधा फल देने वाला या फूल देने वाला या किस छाँव वाला सब हर किस्म का आप ख़रीद सकते हैं। और इस हबीबाबाद से जो पत्तोकी का सफ़र है ये सब आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप जो है इंजॉय कर सकें हमारे व्लॉग को जिस तरह हम इंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो सईद सागर हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वीडियो बना रहे हैं आतब भाई की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, और इनको ये आतब भाई ने कहा था कि मैंने हाथ छोड़ने और मेरे हाथ छोड़ते हुए कि आपने वीडियो बनानी है। तो लिहाजा सईद भाई जो है वो अपनी ट्राई पूरी कर रहे हैं कि उसकी वीडियो बने, लेकिन वो भाई साहब तो गायब हो चुके हैं। दोस्तों अब हम पत्तोकी से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, बस पत्तोकी एडी सेंटर के पास पहुंचने वाले हैं, और अब कुछ ही देर में हम पत्तोकी एडी सेंटर के पास होंगे। उसके बाद हमने जाना है पत्तोकी सिटी के अंदर, और हम जाएँगे कुछ दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर सबसे पहले हम बर्गर खाने का हमारा मूड है। मेरी उम्र में जी रिकॉर्ड हो गया, तेरी उम्र मैं लग जावे जिंदा रहे बापू जी, बड़ी दुआ दे रहे बापू नू, तेरी उम्र मैं लग जा तू थथा बह डेगी, बड़ा भी चिक्कड़ च लगा फिरना। चुको कि तो माल खाता है सी पे आ चुके हैं दोस्तों, आप या तो बर्गर खाएंगे सादे वाला या जिंगर या स्लाइस कुछ भी मतलब चलेगा, ये तो मलिक साहब पे डिपेंड करता है वो क्या हमें खिलाते हैं। बर्गर दो बर्गर जिंगर, ये बोतलें भाई ने हमें पहले ला के दे दी हैं, ये तो हो गई हैं गर्म, लेकिन बर्गर अच्छा है। Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. Jee bismillah rahman rahim, ek bite jo hum lekar dekhte hain. Taste abhi samajh nahi aa raha kis tarah ka hai, namak sa lag raha hai. चले जी फाइनली हम इसको अब स्टार्ट करते हैं जी। किसी दौर में हम पिज़्ज़ा खाया करते थे ऐसे ही, अच्छा टेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद मुझे भूख लगी हुई है शायद इस वजह से। बिल हो गया कितना बना है? ठीक हो गया 600 बना है। yes, चले जी ये बेस्ट था भाई बेस्ट।
बर्गर का तो मज़ा आ चुका, मज़ा इस तरह से आया है कि खिलाए सईद भाई ने ना, इसलिए तो अब हम इधर से बी एम सी बर्गर शवारमे वाली दुकान से अब हम शायद इस साइड पे जाएंगे, क्योंकि ये वाली जो सड़क है ये सारी हमें हबीबाबाद की तरफ लेकर जाती है, हमारे शहर की तरफ। उसी सड़क पे जहाँ से हम आए थे ये वही सड़क है, और ये जाती है हमें लेकर अलजन्नत गार्डन में। अलजन्नत गार्डन में जाने लगे हैं, और उधर जाके सईद भाई और आतिफ भाई का ये कहना है कि उधर इंजॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होने वाली है, सीधे ही जा रहे हैं। ये भी है चीज़ीस, ये पत्तों की में बहुत मशहूर तरीन जो है, ये पत्तों की का मेन चौक है, और इस चौक से अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो ये जाएगा मल्ला वाला बाईपास, और साथ में जहां अपने गार्डन जाना है अलजन्नत गार्डन, ये वो वाली जगह लेकर जाएगा अलजन्नत गार्डन की तरफ। अलजन्नत गार्डन में अब पता नहीं बताया ये जा रहा है, आतिफ भाई बता रहे हैं कि फैमिली के अलावा इंट्री नहीं है। अब हम फैमिली कहाँ से बना के लाएंगे ये भी सोचते हैं, इससे पहले जाकर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, जाने देते भी हैं कि नहीं, हैं पता चल जाता है। अभी ये रास्ता देखो उन्होंने कैसे बनाया हुआ, फरना फरना क्या यार, पहचो मेरी भी कोई इधर आ, वारिस इधर आओ एक मिनट, सेल्फी लेने के बाद आप मुझे हैं। चले जी, चले सर क्रॉस करें, रास्ता देख लें जी कैसा बना हुआ। असली वाला जो मेन गेट है वो उस साइड पे है, हम उस साइड से नहीं गए, एक वो मेन गेट है हम उस साइड से भी नहीं गए, हम आए इस साइड से जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई है ही नहीं मतलब इंट्री के लिए बना हुआ। तो पहले तो मैं आपको इधर पहुँच कर आपको साइड का जो सारा व्यू है मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे वाली जो बाइक थी वो पंक्चर हो चुकी है, हमने काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें और वीडियो वगैरह बनाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में ये देखें जी सईद भाई हमारी बाइक को लेकर जा रहे हैं, हमारी बाइक हो गई है पंक्चर। मलिक साहब ऐसे मुंह नहीं छुपाना है, कुछ भी नहीं होता, बाइक तो हमारी है ना, कौन सा हमने किसी से मांग के लाए थे। ए, नहीं आप हेल मुझे मार बाबा जी, पंचर हो गई जो मैं ना चला के लग गया चंगी स्पीड ना, मैनू पता भी ना पंचर हो गई, उन्हें क्या ये दो पैने 400 रुपया दुका। ये पंचर वाली दुकान है भाई, फाइनली पहुंच, अपडाउन तो होते रहता है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नवाब स्वीट पर, और यहां से हम लेने लगे हैं कुल्फ़ा, कौन सा लेने लगे भाई। कुल्फ़ा मेन कुल्फ़ा, कुल्फ़ा मेन कुल्फ़ा ही, आइसक्रीम लेनी थी ना शायद। किधर गया मालिक, आ जाओ ए, चले खैर है जी, हम नवाब कुल्फ़ा आइसक्रीम से कुल्फ़ा ख़रीदने लगे हैं, आइसक्रीम कुल्फ़े फ्लेवर में, आपका भी कुल्फ़ा ही है। चलें, ये क्या है टोकन स्कूप कप, ये दो क्या लिखा हुआ है, दो पीस रस मलाई मतलब दो स्कूप स्कूप मिलेंगे, अच्छा अच्छा सही है, मतलब दो स्कूप स्कूप मिलेंगे, अच्छा अच्छा सही है, अभी इनको देंगे इसके बदले में हमें दो स्कूप डालकर एक कप देंगे। ये दिया जा रहा है जी स्कूप, दो स्कूप के तीन जो थे टोकन दिए हैं जिसके बदले में हमें तीन कप मिलेंगे कुल्फ़ा ही, नहीं अकेला ही की वैल्यू है यार। अरे भाई ये
ये आ गई है जी हमारी आइसक्रीम, सईद भाई को दें, उधर चल के खाते हैं। ठीक है, नहीं यार इतने शुरू हो गए हो। हाँ जी दूसरा कप मेरे वाला ही पकड़ लो भाई, ये थैंक यू। ये देखिए जी तीनों कप हमने ले लिए हैं। कैसा टेस्ट है मांटू भाई? भाई ये आता भाई की मांटू भाई भाई जी, भाई आगे कह रहा था कि यार ये बड़ी भारी, भाई कह रहा था भारी मोटरसाइकिल होती है इसीलिए तो गिर गई है। किन्ना नुकसान होया भाई, किन्ने पैसे लेने इनू ना छेड़ी पुत्र, ये गरीबा बंद मैं इतने लेट लग जाना, मैं इतने रोन लग जाना तो मैनू किसी चुप भी कौन नहीं करा, वो इनका ही हौसला जरा चुप कर गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जाने लगे हैं वापसी को हबीबाबाद की तरफ। तो ये पत्तों की का जो मेन एडी सेंटर वाला अड्डा है कसूर अड्डा पत्तों की, हम इस जगह पर हैं। और ये देखे हम अब जा रहे हैं वापसी के लिए। मलक साहब और क्या नाम है आतब भाई, वो हमसे आगे काफ़ी ज़्यादा गुजर चुके हैं और मेरे ख्याल में वो मेरे से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर हैं, क्योंकि उनके पास बाइक जो है 125 है, तो इसके लिए फिर मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, जिस वजह से मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ। वो मुझे साथ में भी नहीं लेके जा रहे, बाकी कोई नहीं, देखते हैं वो किधर। ये हमारी पिछला जो व्लॉग आया था आपने देखा होगा ट्रेन का, तो वो हमने टूल प्लाजा से शुरू किया था, तो इसी बात पे ट्रेन भी आ चुकी है। ये वही ट्रैक है जहाँ से हम गुजर के गए थे, ये देखें ये न्यू ट्रेन है पाकिस्तान रेलवे। हाँ हाँ ग्रीन लाइन जो है ये मिल चुके हैं। एसी टाइम बिजनेस क्लास इसके डब्बे हैं, अच्छा हर बोगी का किराया इसका ज़्यादा है। फाटक जो था बंद हुआ है, इसको लंडा फाटक बोलते हैं पत्तों की का, ये थोड़ी देर के लिए बस बंद हुआ था, तो इसके हालात चेक कर लें ज़रा। देखें जी ये फाटक के हालात हैं, चेक करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो जो है आपने अगर आपको पसंद आई है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अगर ये भी नहीं तो यार एक दफ़ा बस ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो हमारा जो है इतना सा फ़ायदा हो जाएगा। यार हमारे आप व्यूवर हैं, आपके लिए ये सब कुछ करते हैं। हमारे चैनल को वारिस चाहत के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबाओ। तो अभी हम हबीबाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो हबीबाबाद के रास्ते में वही जहाँ से हम आए थे रास्ते में पत्तों की टूल प्लाजा, और ख़ास तौर पर ये सारी पत्तों की वाली नर्सरियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो हैं ये हबीबाबाद तक ऐसे ही चलती रहती हैं ये नर्सरी है। ये है जी बाईपास पत्तों के बड्डी होटल, ये बड्डी होटल कहलाता है। अब इस बंदे का शौक चेक कर ले जरा, कर कह रहा है बस, ये कॉन्फिडेंस ही अक्सर इंसान को मरवाता है, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ करवाता है। फाइनली जो हैं हम पहुंच चुके हैं टूल प्लाजा, गुजर चुके हैं और हबीबाबाद की पुल से थोड़ा सा पीछे हैं। ये वही रास्ते हैं जहां से हमने दूसरी साइड का आपको बैकग्राउंड जो था दिखाया था, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था, उसका जो व्यू था काफ़ी कमाल का था। ये अब हम ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाले हैं, ये है हबीबाबाद की वही ब्रिज जो हम सुबह दूसरी साइड से गुजर के गए थे, और ये वापसी के लिए जो है हम हबीबाबाद
को इंटर हो चुके हैं और पुल उतरते ही हमारा बीवाबाद जो है वो शुरू हो जाता है। और ये आतब भाई अभी तक वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जैसा वो जाते हुए थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक था हाथ छोड़कर बाइक चलाने का। ये हम अपनी गली में इंटर हो चुके हैं वापसी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी गली में और हमारा व्लॉग जो है वो ख़त्म। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बने बेल आइकॉन को दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।